सब भाई दोस्तों को नया दिन नया ब्लॉग में आ गया हूँ वापस फार्म पे और देखते हैं आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। शक्ल तो वैसी लग रही है मुझे फार्म पे, कुछ खास लग नहीं रहा मुझे। ये मुझे लगता है वफात पा चुकी है तकरीबन, लेकिन देखते हैं बारिश का इंतज़ार है हम सबको। फटियों का खलारा डाला हुआ है यहाँ पर और अंदर भी देख लो। ओहो कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। चलो कोई नहीं, आ जाएंगे बाकी भी। ये सही नीला किया हुआ है इन्होंने, एक शार्क तो बाकी सही किया, फुल काली हो गई है। आज मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हम लोग स्टार्ट कर ही देंगे, मेरे आने पे काम होने होते हैं। वैसे बड़े दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, हाथ लग के मेरी वीडियो कट गई थी। खैर उन्होंने इतने दिनों में ना सिर्फ ये फटियाँ खोली हैं और वो तो पंजरा मिस्त्रियों ने बनाया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उसका खिलारा उसका वैसे ही पड़ा हुआ है। और इस मादी का कह सकती इसने अंडा फेंका हुआ है बाहर तोड़ के। खुमरे भी ठीक हैं वैसे, बाकी इन्हें सही कह रहा था, हम लोग खुमरों को तो खाना भूल जाते हैं। ये जब का हमने ये यहाँ पर रखा है ना एजाज, ये खुमरे जो है ना हमें याद नहीं रहता, ये आज मैंने उठवा ही देना है। अगर मैं ना उठवाया तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि भैया आपने ये कहा था आपने किया नहीं है। जाने से पहले मैं दिखा के जाऊँगा कि मैंने ये उठवा लिया, फिर ये वाला काम शुरू करेंगे हम लोग। रीत पानी लगा रहा है, बाकी आ जाए फिर देखते हैं। कुत्तों का भी निकलने का टाइम हो गया हुआ तकरीबन। मैं रात व्लॉग में सोच रहा था कि इस जो पिंजरा है ना इसकी कैसे करके जो है ना हम लोग ऐसी सेटिंग करें कि ये मज़ीद प्यारा लगे। फिलहाल तो इसके आगे फ्रेम बनाने हैं ताकि हम वो चकोरें बीच में छोड़ सकें इनकी। तो इसको सबसे पहले तो ये जो एलोवेरा है ना इसको हम लोगों ने कहीं और शिफ्ट करना है ताकि ये एरिया सामने वाला जो है ना क्लियर हो जाए और ये गंद भी उठवाना है। उसके बाद एक मैं सोच रहा हूँ इसकी छत पर घास लगा दूँगा, ये जो छत है ना इसकी इस पर घास लग जाए प्यारा लगेगा, या कोई बेल टाइप सी लग जाए जो आगे पिंजरे तक भी आ जाए करे। शामू वाकई ठीक कर लिया इन्होंने काफ़ी हद तक, पकड़ के शाम को दिखूंगा दाना दूना खा रहा है। वो मादी भी डाउन ही है, मेरा ख्याल है नाजी के घर भेज ही दें हम लोग। यहाँ पे भी काम होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ भी इसको जो है ना ताकि बारिश वगैरह के टाइम भी जो है ना ये जगह थोड़ी बेहतर रहे। ये अमरूद ठीक चल रहा है, ऊपर से अमरूद है नीचे से पुदीने के पत्ते मुझे लगता है निकाल रहा। ये ठीक है, ऐसी जो है ना मैं पुट्टी सीधी चीज़ें और ले आनी है मैंने, तक ना रौनक लगी रहा करे फार्म पे। उन्होंने बड़ी नीयत से गोडी की हुई है मुझे लगता है, कल पानी अभी नहीं लगाया इन्होंने, पानी लगाएंगे बाद में। वीर मुर्गियाँ पानी ना छिड़की, मुर्गियाँ पानी ना छिड़की, नहीं नहीं हम नहीं मारिया करना। मैं अपने करण अर्जुन से मिलने जा रहा था, उसने पानी इधर इतना लगा दिया कि मैंने स्लिप हो गिर जाने जा, ये फिट रहे हैं। मैंने तो नाम का करण अर्जुन रखा हुआ है, बाद में भावें शिल्पा और अंजलि निकले कोई पता नहीं लगता इनका, बड़े हो गए थोड़ा सा पता लगेगा। बाकी नाजी से पूछूंगा कि क्या लग रहा है, ये करण अर्जुन ही है कि कुछ और है ये। इधर से भी एक आधा जोड़ा आज निकालते हैं, इसकी जगह लाज कुछ और लगाते हैं। आज जो जहर आता है ना, आज हवा चल रही है, मौसम उतना गर्म नहीं है लेकिन हालत बुरी है। मेरी हालत सिर्फ फार्म पे आके नहीं बुरी हुई, मैं पहले गया हुआ था गाड़ी का काम करवाने, वहाँ मेरी आत्मा रुल गई, वहाँ हवा नहीं चल रही थी, यहाँ फार्म पे हवा चल रही है। आई अब देखते हैं बाकी कब आते हैं। कबूतर आज अंदर ही बैठे हुए थे, वो मुर्गी भी अंदर गई, मैं कहा जाके कोई अंडे बच्चे इनके ख़राब ना करे,
मैंने भी इतना, मैं सारे कबूतर ही बाहर निकाल दे और मुर्गी को ही बाहर निकाल। कबूतर तो ठीक ही लग रहे हैं मुझे, ऐसे करते प्यारे बहुत लगते हैं। फिरते रहेंगे कबूतर, मैं थोड़ा सा छेड़ दे। ये ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, जो हम उन्होंने पर खींचे थे इनके वो जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सारे हो रहे हैं। उनको नहीं भी हम लोग इतना छेड़ रहे, वो भी थोड़ा थोड़ा ही उड़ते हैं। जो बच्चे उन्होंने छोड़े हुए थे वो उड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये सारे जो सारे हो जाएंगे और वो जो है ना उड़ना शुरू हो जाएंगे। बाकी मजीद बच्चे भी जो निकले वो भी तो छोड़ ही जाने हैं हम लोगों ने। बाकी सारे तो पहुंच गए हैं, न्याजी भी कैमरे में देखा है अभी एंटर हुआ है। अरे वाह, फार्म में रौनक और लाना देख सर। मादी की आंख तो खुल गई लेकिन उसको घर ले जाने का ख्याल है। नहीं वो सही नहीं है, मुझे बीमार ही लग रही है। खाना खा रही है, देखते हैं। एक मिनट, वीडियो ना बन रही होती, मैं एक सवाल पूछना सी। कपड़ा नी तुन्ने न्याजी मादी चेक कर रहा है इसकी आंख। मैंने चेक की थी, आंख खुली थी इसकी, आंख खुल गई है। कल तो चिपकी हुई थी बेचारी, कल वाली ऑइंटमेंट दोबारा डाल। यार ये नदी मादी फुल परों में कैसे आएगी? अकेली रह के मतलब ये फिरती हुई प्यारी लगे। अभी तो ये जो लगती है मैं वो बोल नहीं सकता यार, वो अभी तो बोल रहा है हाथ में पकड़ी मुर्गियां ना दिखा, वीडियो उड़ जाती है। अच्छा अच्छा, मैं तेरे से पूछना था, वो जो दो हैं वो करण अर्जुन है? नहीं, करण अर्जुन ही है कि अंजलि शिल्पा है? ये कैसे पता लगा? बड़े होंगे तो मैं कहा हम लोग करण अर्जुन कही जाते, बाबा भावी शिल्पा निकले आगे से। जो भी निकले सब अलग है, हमारा तो निकले हैं। चूचे नहीं देने मैंने अब उनको, उनको सिर्फ मादी वापस जानी है। चूचे पड़े हो गए मैं, वो फिर मादी को टोबे जाए कहा करेगी ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे की कर देंगे। इसकी वीडियो तो बना सकता है, ये कौन सा कोई गलत काम है? गलत गलत की बात नहीं, वो हाथ में पकड़े बर्ड को ना। कब जा रहे हो शोरबे में? जितने तो मिट्टी फेंक रही है मेरे पे, तूने जल्दी ही जाना है। छोड़ दी अंदर मेरे पे अंदर थी ऊपर, कोई नहीं खा लेगी वो खुद। मैं जब मुर्गी अंदर की है ना, उसने बाहर आना चाहिए। ओए उधर, ओए इधर आना एक मिनट। क्या हुआ? ओए इधर आके मुझे मशवरा करो, फिर कल से कुछ कराएं। मशवरा लेना अच्छा होता है। इसकी सेटिंग किस तरह करें? फ्रेम तो इसके आगे लग जाएगा। वो वाली साइड को हम बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से दोनों पे दरवाजा लगा दो, कुछ नहीं होता। एक दोनों पे दरवाजा लग जाएगा, थोड़ी सी लकड़ी एक्स्ट्रा लगनी। यार एक पे दरवाजा एक पे प्लेन ठीक है। यार कल को अगर हमें कोई पार्टीशन करनी पड़ती है, ये इतना बड़ा पिंजरा है, तो हम ये और ले आएंगे ना इस तरह की। यार हम एक जोड़ा इधर छोड़ दें, एक उधर छोड़ दें। बाहर तो उन्होंने कुछ के कट्ठा ही फिरना है। बाहर तो फ्रंट पे क्या करें? फ्रंट पे सिर्फ रंग करा दें इसके। चूड़ियां
चूना फिरवा देते हैं चिट्टा सीमेंट फ्रंट पे भी कुछ नहीं कराते नहीं तो ये अंधों में काला राजा लगना है बाकी जब दीवारों पे सिस्टम करेंगे ना एक साथ ही हो जाएगा और ये एलोवेरा भी उतरवाना है यहाँ से क्यों इसको उतरवाए कहीं और लगाओ जगह खुली करो यहाँ से या वैसे एक और काम भी कर देते हैं वहाँ पे पार्टीशन लगाएं एक में चित्रियाँ एक में बतखें इसके सामने बतखों का पूल और बतखों के लिए इतनी जगह ठीक बहुत है बंद ही रात भी करनी बाहर तो फेंस के बाहर खुली खुली शतूत की जान नहीं शतूत नहीं इतनी ज्यादा जोर से बतखे नहीं रखनी बतखों का रखा प्रॉपर उनका छप्पड़ बनेगा पॉन्ड बनेगा यार हम वो यार वो हम उस तरफ करेंगे ना कहीं उधर बनाएंगे फसलें तो मैंने पहले उजाड़ दी है वहाँ तक ही बस रह गई फसलें आगे नहीं तो ये पिंजरा इस्तेमाल कर लेंगे कब तक रहेगी यहाँ पे यार मेरी बात सुन अगर बाकी बच्चे रखनी है ना हाँ हाँ तो असूलन तो यार बनता है यहाँ पे इनका कमरा बने यहाँ बैक साइड पे इनकी जगह हो पक्की जो अंदर बैठने वाली है हाँ उसके आगे ये थोड़ा सा यहाँ तक इसको बना दो इस तरह यार उनको कच्ची जगह भी चाहिए होती है उन्हें सिर्फ पानी में ही नहीं रहना तो कच्ची जगह वो बाहर निकाल दिया करेंगे बाहर ही निकाल लिया तो यार फेल आ रहा हमने पहले इधर किसका हाथ लगा ये तो ये तुम लोगों ने नहीं किया ये तुम लोगों ने नहीं किया बॉडी हमने मैं तो पहले बड़ा तुम लोगों की तारीफ की है कि तुम लोगों ने बड़ा काम किया यहाँ पे मैंने नहीं किया शायद उसने किया लेकिन मुझे लग नहीं रहा हरुण का आता है कोई नहीं हुई वहाँ पर वहाँ गोडी की नहीं है की नहीं है अभी भी वहाँ जमीन वैसी फटी हुई जैसे पहले फटी हुई थी मेरे जाने से पहले उसके पास पानी लगा दिया वो पानी लगाता है ज्यादा नहीं जी पानी नहीं आके देखो जमीन वैसी फटी हुई है गोडी की पता होता है नहीं की नहीं की नहीं कोई सबूत है उन्होंने दिखाया व्लॉग में दिखाया तुमने व्लॉग में बाकी ये देखना ये कहाँ की है ये गोडी के सरात ही है ये गोडी के सरात नहीं है ये जैसी जमीन पहले नहीं थी फटी हुई थी ना देख इधर ये वैसे ही फटी हुई है अभी तक कोई गोडी नहीं की यहाँ पे उन्होंने उधर गोडी तूने की है सब्जी वाली साइड पे देखा मैं व्लॉग में माफी मांगना चाहता हूँ मैंने एमी इन लोगों की तारीफ किया अभी इतने काम किया इतने गोडी हो ही नहीं है पानी लगा इसी चीज नजर आ रही कल भी गया तू आ गोडी ना ये मुझे लगता है हरून काम वैसे करता है वो जो मेंगने डाल के बकरी दूध नहीं देती अनार तो हरून अगले दिन तोड़ के फेंक दिया था ये सूख गया है ये अमरूद था ये तो सूख गया सारी चना लाई अद्धी की चलाई छोटे नु भी उन्होंने नाल ला देना इन्हें निकलने सारे बस जिन्हें के हैं ना अच्छे छे सात सात इंच के फर्क नाल सारे ला दें आ जगह वेली कर देनी है यार यहाँ पे और साथ मेरा ख्याल है ये जगह जो है ना यहाँ मिट्टी डलवा के थोड़ा ऊंचा कर ले वार नहीं लगवाना वो इंटो वाला और नहीं यार मिट्टी से मिट्टी डलवानी ताकि बारिश अगर हो तो पानी सारा ग्राउंड में आए क्योंकि घास तो यहाँ नहीं होना ये भी जाएगा नहीं ये ठीक है ये हरा है ये हरा है इसकी ओडी तो कल करेगा ये अभी पानी है इसको अभी नहीं करने के लिए कल की थी
इनको मैंने खाद डालनी है, उसके बाद ही करनी है गोडी, जिस दिन खाद डालनी है। वीर पैप बंद कर दे बहुत आ, घा हरा वा फिलहाल ना दे, बारिश पै जानी उम्मीद है। हाँ नहीं जी, मैंने ना उसको वीर से कह दिया, मैं कहा अब मुर्गियों में पानी नहीं छिड़का करना, बरसात का मौसम है वैसे ही सारी जगह नमी नमी सी रहती है। मैं कहा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उतनी हबस बढ़ती है इनकी पिंजरों के अंदर। अब इनकी रेत खुश्क रहने दें, क्योंकि अब वो वाला सेक नहीं है, अब वो हबस वाला है, जितनी खुश्की रहेगी उतना बेहतर रहेगा इनके लिए। काफी दिन कर लिया है, अब कल से क्या करना है उन्हें? कल तो मंडे है, मैं छुट्टी है। हां न्याजी ने तो कल मंडे को कोई काम नहीं करता, मतलब तुमने उसका फ्रेम नहीं लगाना यार, उसका फ्रेम के लिए हमें लाग चाहिए यार। ये जो इनके आधे पीस की है ना लहर, उसका बड़ा अच्छा फ्रेम बनता है, ये पानी से खराब भी नहीं होती है लकड़ी। हां मेरे उतना सीमेंट की गल नहीं बनना, मैं पहले बता क्यों नहीं बनना, ये लकड़ियां महंगी जितनी है नहीं सर, सीधी सीधी निकल आती है, नया पैलेट खोल लो। रुडो कितना मिल पर जाय जा, मैंने जो घर पे बनाए हैं क्योंकि देखिए बाप मैं कहता हूं मुझे गालियां को निकालते हैं। दूजी बड़ी रुडो की छिटी है सब हुआ इसका। उसके लिए साथ खड़े होना पड़ेगा, फिर यार बना सकता है, हम लोग तो ये इंस्ट्रक्शंस के बगैर नहीं बना सकते। नहीं कह रहा अच्छा, इसने घर बड़े सोने खुडे बनाए हैं उसके। यार उसने बनाए हैं, वो इसने अकेले नहीं बनाए, अंकल की सुपुर्दगी में बने हैं, सातर खान था वो। तेरी आप यार, लेकिन लकड़ी चीरनी है ना, हमने चीरनी है वैसी चीर तो हमने ली है, मैंने उस दिन भी बना लेंगे इसी लकड़ी का बना, लेकिन इस पे वो लगेगी जाली सही तरह। क्यों नहीं लगेगी, लगेगी, तुम्हें पता कितने दिन बाद मिले हैं चले जाता तो दुकान के ऊपर काम करने, अभी पिज्जे का पता लगा ना इसको, अभी ये बैठा ही कोई टाइम नहीं, मैं जो मर्जी जा सकता तेरा क्यों नहीं जाता अब ये थोड़ी किसी का उधार देना, आप कहोगे वो पैसे मैंने खर्चे हैं भाई, 2000 रुपया मेरा चूचों का जो आया है ना मुझे, वो मैंने सदके कर दिया इनको, मैं भी खाना चाह लिया थोड़ा प्याज सब तो पहले मैं करदा बार पिज्जे चो कोई शायद नहीं मारती तो 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 एक बार ये मुझे भी यही सुना है कि तूने वाकई ये कहा है कि वो रोटियां लेके आया तेरी हैं, कुत्तों की नहीं होती होती रोटियां क्या बंदा क्या भी होना चाहिए यार, ऐसे कुत्ते ना पैसे खर्च के भी नहीं मिलते ऐदा तुर जाते रोड तला भी जाते नहीं काटूंगा नहीं काटूंगा ये नहीं कटेगा, कुत्ते ने गुस्सा किया,
हाँ जी यूरो से अगला जो आपका आएगा ना यूटर्न या उसका आगे आगे आ जाए या फिर आगे सामने देखें जूम का पंपर वहां से यूटर्न ले लें। खैर अभी हमारा पिज्जा आ गया, हम लोग पिज्जा खाएंगे और फिर हम देखते हैं हम लोगों ने कल से जो है ना अपने रूटीन क्या बना रही है। पिज्जा हमने खा लिया है, जो नियाजी कह रहा था वो सच साबित हुआ है, वो सिर्फ पिज्जा खाने के लिए वेट कर रहे थे, सुबह वो चले गए हैं। नियाजी भाई इसका हम बदला लेंगे इनसे। खैर हमारा ये वाला काम शुरू हो गया है, ये वाला काम शुरू करने का ना बड़ा अच्छा तरीका है, मैं बता नहीं सकता। खैर अब कल से जो है ना हम लोग ये अपना काम रेगुलर रूटीन पे आते हैं और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन पर क्लिक और अल्लाह हाफिज़।